तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिबेंचर क्या होता है। डिबेंचर जैसा कि आप जानते हैं, एक सर्टिफिकेट कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है कि इस स्पेसिफिक डेट पर आपको इतनी पेमेंट मिल जाएगी, और उसमें जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है कंपनी के द्वारा वो भी लिखा होता है, जिसे कूपन रेट कहते हैं। तो आज बेसिकली बात करेंगे कि बॉन्ड क्या होता है, क्या बॉन्ड और डिबेंचर सेम है या फिर कुछ डिफरेंस है, उसी की बात करेंगे आज की वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो यहाँ पर बॉन्ड क्या होता है, इट इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ डिबेंचर। तो जैसे डिबेंचर होता है, ये भी उसके साथ काफी मिलता जुलता ही होता है। ट्रेडिशनली बॉन्ड्स हैड बीन इशूड बाय गवर्नमेंट, बट नाउ ए डेज दीज आर ऑल्सो बींग इशूड बाय वेरियस सेमी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले क्या होता था कि जो बॉन्ड होते थे वो सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते थे, लेकिन आजकल नॉन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट तरह की जो कंपनीज होती हैं वो भी बॉन्ड इशू कर देती हैं। मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन डिबेंचर एंड बॉन्ड इज विद रिस्पेक्ट टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो डिबेंचर और बॉन्ड काफ़ी हद तक सिमिलर है जैसा हमने अभी बात की, लेकिन इनके बीच में एक डिफरेंस भी है, वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, और यही सबसे मेन डिफरेंस है डिबेंचर और बॉन्ड में। तो यहाँ पर डिबेंचर आर इशूड बाय विद दिस फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेयर एज बॉन्ड्स कैन बी इशूड विदाउट प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इन केस ऑफ डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अभी बात की स्टार्टिंग में वीडियो की, कि जो डिबेंचर होते हैं उसमें एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होता है उस सर्टिफिकेट में, जो कि दर्शाता है कि इतने इंटरेस्ट के साथ आपको पेमेंट मिलेगी। लेकिन जो यहाँ पर बॉन्ड्स होते हैं इनमें कोई भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। यहाँ पर वो एग्जाम्पल देता है जीरो कूपन बॉन्ड और डीप डिस्काउंट बॉन्ड का। यहाँ पर डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं? ए डीप डिस्काउंट बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड इज वन विच इज इशूड विदाउट प्रीफिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इट्स इशू प्राइस इज हैवीली डिस्काउंटेड। तो यहाँ पर जीरो कूपन बॉन्ड या फिर डीप डिस्काउंट बॉन्ड वो होते हैं जिनका कोई भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, और जो इनका इशू प्राइस होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई बॉन्ड है वो है 1 लाख रुपये का, लेकिन वो इशू किया जाएगा 80,000 रुपये में, यानी कि डिस्काउंट हो गया 20,000 रुपये का, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। एज कम्पेयर टू अमाउंट देखें तो 1 लाख और कहाँ पर सिर्फ 80,000 में इशू हो गया, 20,000 का जो गैप होगा ये एक तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट माना जाएगा, उसकी बात करेंगे अब हम। तो द डिफरेंस बिटवीन इशू प्राइस एंड द रिडम्पशन प्राइस रिप्रेजेंट द टोटल इंटरेस्ट टू बी स्प्रेड ओवर द ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पर जैसा हमने अभी बात की कि 1 लाख रुपये का बॉन्ड अगर 80,000 में इशू हो गया, लेकिन जब रिडीम होगा तो उसे 1 लाख ही मिलेंगे, यानी कि जो 20,000 रुपये का डिफरेंस आया वो एक तरह से इंटरेस्ट हो गया। लेकिन डिबेंचर के केस में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट होता है वो 6 मंथ के बाद, मेनली यही होता है, नॉर्मली 6 मंथ के बाद जो डिबेंचर होल्डर है उनको मिलता है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो इशू प्राइस होगा वो रिडम्पशन प्राइस से काफ़ी ज़्यादा कम होगा। रिडम्पशन प्राइस अगर 1 लाख है और इशू प्राइस 80,000 है, तो जो 20,000 का डिफरेंस हो गया वो एक तरह से इंटरेस्ट का काम करेगा, यानी कि 6 मंथ के बाद तो इंटरेस्ट हर बार नहीं मिलेगा, लेकिन जो रिडीम के टाइम पर 20,000 रुपये का एक लमसम पेमेंट जो इकट्ठी मिल गई उसे एक तरह से इंटरेस्ट ही माना जाएगा। ए प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ टोटल इंटरेस्ट इज चार्ज टू P&L अकाउंट एवरी ईयर ओवर द लाइफ टाइम ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पर जो 20,000 रुपये का डिफरेंस आया वो एक तरह से इंटरेस्ट माना जाएगा, तो उसे रिडीम कहाँ से करना है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अकॉर्डिंग टू द लाइफ टाइम ऑफ बॉन्ड, जितना जो बॉन्ड का लाइफ टाइम है उसके अकॉर्डिंग 5 ईयर्स का है, तो जो 20,000 है उसको 5 से डिवाइड किया जाएगा और जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट आ गई 5 × 20 हर साल 4,000 रुपये 5 सालों के लिए रिडीम किए जाएंगे। तो इस तरह से ये था बॉन्ड का टॉपिक। बॉन्ड और डिबेंचर में यही डिफरेंस है कि डिबेंचर में एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जबकि बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। बॉन्ड का जो इशू प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है रिडेम्पशन के प्राइस से। तो यही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।